हेलो एवरीवन, एप्पल टेक्निक्स हियर। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे एप्पल ऐप स्टोर में जैसे पेमेंट मेथड आता है, तो इसमें जैसे सिर्फ पहले जैसे तीन ऑप्शन आते थे, जैसे वीज़ा वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि उस पेमेंट के साथ में आप अपने रुपे कार्ड कैसे ऐड करें, या फिर कोई भी जैसे फ़ोनपे या गूगल पे की UPI ID कैसे ऐड करें, और हम नेट बैंकिंग कैसे ऐड करें। तो ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेटिंग्स में जाना होता है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना होता है, जहाँ पे आपकी एप्पल आईडी वगैरह दी हुई होती है, जो सबसे ऊपर टॉप में मिल जाएगी आपको। ये मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें पूरी डिटेल लीक हो सकती है। सो आप जस्ट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, मैं आपको पूरा बताता हूँ कैसे करना होता है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद पेमेंट एंड शिपिंग ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको अंदर जाने के बाद में ऐड पेमेंट मेथड नाम से मिलेगा, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड पेमेंट में आने के बाद में आपको जैसे काफ़ी ऑप्शन मिल गए हैं, रुपे कार्ड, UPI एंड नेट बैंकिंग। तो रुपे कार्ड ऐड करने के लिए आपको रुपे कार्ड पे क्लिक करना है, देन कार्ड नंबर डालना है यहाँ पे, फिर एक्सपायरी मंथ और ये डालना है आपको यहाँ पे, फिर अपना फर्स्ट नेम जो आपके कार्ड पे है, सरनेम डालना है, फिर स्ट्रीट, अगर स्ट्रीट नंबर कुछ एड्रेस है तो वो डालना है। स्ट्रीट एड्रेस जैसे एक में कंपलसरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड, बाद में इसमें आप अगर डालो चाहो तो ऑप्शनल है, नहीं तो नहीं डालो तो कोई बात नहीं। आपको जैसे यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करनी है कोई भी जो आपकी है मतलब, और स्टेट के बाद में सिटी टाउन में आपको लिखना है, प्लस पोस्टल कोड में आपका सिटी का जो पोस्टल कोड है वो यहाँ पे डालना है, कंट्री सेलेक्ट करके फ़ोन नंबर डालना है। ऐसे करके आप राइट कॉर्नर में डन कर दो तो आपका रुपए कार्ड ऐड हो जाएगा। अगर UPI ID आपको ऐड करनी है तो यहाँ पे आपको UPI ID डालनी होती है, जो जैसे फ़ोनपे या गूगल पे की जो भी UPI ID है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बाकी प्रोसेस सेम रहेगी रुपए कार्ड की तरह। नेट बैंकिंग में आपको पहले बैंक सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे, फिर जैसे आप डन करोगे तो बाकी का प्रोसेस करना होता है, बाकी सेम ही है। सो आप ऐसे करके पेमेंट ऐड कर सकते हैं, एप्पल पे में अदर पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, जैसे रुपे, UPI, नेट बैंकिंग एंड ऑल। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।